में होने वाली गतिविधियों के लिए कई बातें की जाती हैं। तो वहीं आपने सुना ही होगा कि हिचकी को लेकर दादी या नानी अक्सर कहा करती हैं कि हिचकी तभी आती है जब लोग हमें याद कर रहे होते हैं। तो वहीं कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जल्दी खाने के चक्कर में जब खाना चबा कर ना खाओ तो हिचकियाँ आनी शुरू हो जाती है। तो वहीं हिचकी आने पर ये भी कहा जाता है कि पानी पी लीजिए तो हिचकी रुक जाएगी। इस तरह की तमाम बातें लोगों से सुनने को मिलती है, पर हिचकी क्यों आती है इसका जवाब तो वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। तो वहीं आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर हिचकी आने की वजह क्या होती है। हिचकी बहुत ही सौम्य होती है, ये महज कुछ मिनट ही रहती है। तो वहीं अगर हिचकी महीने और साल तक लगातार आती रहती है तो ये गंभीर बीमारी का भी रूप धारण कर लेती है। तो वहीं डॉक्टरों के माने तो हिचकी आने की उतनी ही वजह है जितनी इसे रोकने के तरीके और नुस्खे। इसमें कोई शक नहीं है कि हिचकी हर किसी को आती है और कभी भी आ सकती है, लेकिन क्यों आती है इसका कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि वैज्ञानिकों के माने तो हिचकी हमारे शरीर में मौजूद डायफ्राम के सिकुड़ने से आती है। डायफ्राम एक मांसपेशी है जो चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करती है। आपको बता दें कि हिचकी को लेकर आज भी वैज्ञानिकों के पास सटीक जवाब नहीं है और वैज्ञानिक भी इस बात से चकित है कि आखिर हिचकी क्यों आती है। क्यूरन से श्रुति की रिपोर्ट।